सुनने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का डेटा यूज़ करके उस पर एसेस कर सकती है या फिर उसके ऊपर चढ़ाई कर सकती है, पर अब ये रियलिटी है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को चाइना ने बिल्कुल बोल सकते हो कि कब्जा में कर लिया, या फिर बिल्कुल बोल सकते हो कि वहाँ उनकी गवर्नमेंट अब काम ही नहीं करती है, वहाँ पे बस चाइनीज गवर्नमेंट काम करती है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि 59 एप्लीकेशन को इंडिया में बैन कर दिया गया है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट होगा जानने में कि क्यों इन एप्लीकेशन को बैन किया गया है, किस तरह से इन एप्लीकेशन को अनबैन किया जा सकता है या फिर बोल सकते हो कि वो वापस आ सकते हैं, एंड भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, ओनली ऑन टेक्निका। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उन एप्लीकेशन का नाम, आप वीडियो को पॉज कर लो एंड इन एप्लीकेशन में से कोई सा भी एप्लीकेशन अगर आपके फोन में अभी मौजूद है तो इसको अनइंस्टॉल कर दो, या फिर अगर वो एप्लीकेशन आपके फोन में प्री इंस्टॉल आता है तो आप उसको फोर्स स्टॉप करके बाद में डिसेबल भी कर सकते हो ताकि वो आपका डेटा ना ले पाए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो पूरा जो आर्टिकल रखा है या फिर जो ट्वीट किया गया है मिनिस्ट्री द्वारा, तो अगर मैं उसको बिल्कुल ब्रीफ में बताऊं तो इन एप्लीकेशन को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इनके जो सर्वर्स हैं ये इंडिया में मौजूद नहीं है, एंड जो सर्वर्स हैं वो बेसिकली चाइना में है, और जो भी डेटा आपका जा रहा है उन सर्वर्स में उसे इनक्रिप्ट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट को मालूम नहीं, एंड क्या पता वो इनक्रिप्ट करके रख रहे हो पर बाद में किसी एक दूसरी कंपनी को बेच दे रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिगेशन इन चाइनीज कंपनी पे पहले ही लग चुके हैं कि वो डेटा बेचते हैं या फिर डेटा ब्रीच करवाते हैं जानबूझ के ताकि वो पैसा कमा सकें। एंड ये जो एप्लीकेशन है इनको इसलिए बैन किया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का कंसर्न हो सकता था, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पता चल सकता था, एंड जो डिफेंस है आर्मी है उसके बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता था दूसरी कंट्रीज को या दूसरी कंपनीज को, इसीलिए इनको बैन किया गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो टर्म को हम लोग जानते हैं, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। डेटा सिक्योरिटी मतलब आपके डेटा को सिक्योर करना हैकर या फिर एनोनिमस यूजर से या फिर कोई दूसरी ब्रीच पार्टी से, जबकि जो डेटा प्राइवेसी है वो जो बचाया हुआ डेटा है आपका उसको सही से सिक्योर करना सर्वर्स में, और ये किया जाता है इंक्रिप्शन के द्वारा। इंक्रिप्शन करने पे फायदा क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसके लिए एक पर्टिकुलर की बन जाती है, एंड जब भी आप उस की से जब लॉग इन करोगे तभी आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे, एंड अगर आपके पास की नहीं है तो वो डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये होता है इंक्रिप्शन एंड ये होता है डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एंड अगर समझ में आ रहा है एंड आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, एम करते हैं 25 लाइक्स का, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। एंड अभी जो ये जितने भी एप्लीकेशन जिनको बैन किया गया है ये सभी कुछ अभी आप बोल सकते हो कि फिल्टर आउट किया जाएगा आपके प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, मतलब कि अगर आप इंडिया में रहते हुए इनको सर्च करोगे तो ये आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर नहीं दिखेगा। तो आप सोचोगे क्या हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यूज़ किया जा सकता है, पर अगर ISP ब्लॉकिंग लगा दिया जाएगा तब इसे यूज़ करना और हार्ड हो जाएगा क्योंकि अभी ISP ब्लॉकिंग नहीं लगाया गया है। आप सोचोगे कि ISP ब्लॉकिंग मतलब कि अगर आप इंडियन ISP को यूज़ करके अगर इन एप्लीकेशन इन वेबसाइट पर जाओगे तो ये आप एसेस नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स इंडिया में बैन थे मालूम ही होगा, तो उन वेबसाइट को अगर आप इंडियन ISP के थ्रू चलाते हो तो वहाँ पे लिखता है कि एसेस नॉट ग्रांटेड, एंड बहुत जल्दी इन एप्लीकेशन को ISP के थ्रू भी ब्लॉक किया जाएगा ताकि लोग एसेस नहीं कर पाए। एसेस करने का उपाय है आप प्रॉक्सी या फिर आप बोल सकते हो कि VPN का यूज़ कर सकते हो एंड इसको यूज़ कर सकते हो, पर ये इसीलिए ISP ब्लॉकिंग की गई है ताकि जो tier 2 एंड tier 3 के लोग हैं जो कि उतना नहीं कुछ जानते हैं वो सभी कुछ इसको यूज़ नहीं कर पाए। एंड इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव मौजूद हैं, मैंने वीडियो बनाई थी अल्टरनेटिव से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई कार्ड में देख सकते हो, एंड अगर तब भी कोई एप्लीकेशन बचा रह जाता है एंड आपको उसका अल्टरनेटिव जानने में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के और मैं आपको अल्टरनेटिव का नाम बता दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो डेटा होता है ये डेटा सभी कोई कर रहे हैं, ये डेटा को बचाने से इतना मतलब क्या है, इस डेटा को इतना स्टोर करके फायदा क्या है? तो डेटा से आप एक इंडिविजुअल तौर पर अगर मैं बोलूँ तो आपको बैकट्रेस तक किया जा सकता है, मतलब कि आप किस समय कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे हो, क्या काम करते हो, क्या उम्र है, या फिर आपकी कितनी इनकम है, ये सभी कुछ मालूम लगाया जा सकता है, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह से एक डिटेल भी निकाली जा सकती है आपकी, तो ये सब कुछ होता है डेटा में। अब मास के तौर पे बोला जाए तो एक पर्टिकुलर स्टेट का डेटा अगर देखा जाए तो वहाँ से पता लगाया जा सकता है कि इनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। अब आप एग्जांपल के लिए समझो कि यूपी के लोगों को एक फ़ोन चाहिए 15,000 से नीचे, एंड सभी लोग इसके रिलेटेड सर्च कर रहे थे गूगल पे, तो एक कंपनी ने डेटा खरीदा या फिर देखा एंड उससे रिलेटेड एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया 15,000 से नीचे,
तो सभी लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे एंड डेटा को यूज़ करके आप तक आपके पास एड भी पहुँचा जाते हैं एंड आपके रिलेवेंट से प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाते हैं। बहुत सारे कंपनी जान के ये डेटा एनालिटिक्स को पढ़ते हैं ताकि आपके रिलेटेड एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लाया जा सके एंड उनकी जो सेल्स है वो हाई रहे। एंड डेटा का कुछ एडवर्सली भी यूज़ किया जा सकता है। अगर मान लो कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर गेन पाने के लिए उसका डेटा को पूरा चोरी कर लिया है तो वो जान सकती है कि उसके आर्मी में उसका डिफेंस सिस्टम कैसा है, उसका जो मेडिकल स्टाफ है वो सब कैसे हैं, मतलब कि ओवरऑल जो कंट्री का जो इकोनॉमिक है या फिर जो ओवरऑल जो कंट्री का जो स्ट्रेटेजी हो सकता है आगे उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए डेटा को बचाना बहुत जरूरी है। सुनने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का डेटा यूज़ करके उस पर एसेस कर सकती है या फिर उसके ऊपर चढ़ाई कर सकती है, पर अब ये रियलिटी है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को चाइना ने बिल्कुल बोल सकते हो कि कब्जा में कर लिया या फिर बिल्कुल बोल सकते हो कि वहाँ उनकी गवर्नमेंट अब काम ही नहीं करती है, वहाँ पर बस चाइनीज गवर्नमेंट काम करती है। एंड आप सोच रहे हो कि किस तरह से इन एप्लीकेशन को दोबारा अनबैन किया जा सकता है, तो अनबैन करने का एक सिंपल सा उपाय है, इनका जो सर्वर है वो इंडिया में होना चाहिए, डेटा जो स्टोर है उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना चाहिए एंड जो तीसरा है इस डेटा को दूसरे कंट्री को नहीं बेचना चाहिए, तो जाके ये एप्लीकेशन इंडिया में अनबैन हो सकते हैं। मेरी माने तो मे बी हो भी सकते हैं अनबैन एंड मे बी नहीं भी, कोई क्लियर कट आंसर नहीं है मेरे पास भी अभी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों डेटा को बचाना जरूरी है एंड क्यों इन एप्लीकेशन को बैन किया गया एंड किस तरह से अनबैन किया जा सकता है। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वाली वीडियो में।